हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम इसमें पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की समाधियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी समाधियाँ और मकबरे हम पढ़ेंगे मैप की सहायता से। जैसे तानसेन की समाधि ग्वालियर में है, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में, ग्वालियर में और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और उनकी सहायिका रानी झलकारी बाई की समाधि। चलिए स्टार्ट करते हैं मैप की हेल्प से। ये है हमारे मध्य प्रदेश का मैप। हम सबसे पहले शुरू करते हैं ग्वालियर ज़िले से। तो ग्वालियर ज़िले में कौन कौन सी समाधि स्थल हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। ग्वालियर में है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। लक्ष्मीबाई की समाधि है। ग्वालियर में हो गई रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, उनकी सहायिका झलकारी बाई की समाधि, उसके बाद हो जाएगा तानसेन का मकबरा और फिर है यहाँ पर मोहम्मद गौस का मकबरा। गौस से अपन याद रख सकते हैं ग्वालियर। ठीक है, अगला है हमारा जबलपुर जिला, जहाँ पर एक स्थान है बरेला। यहाँ पर है रानी दुर्गावती की समाधि। ठीक है, इसी प्रकार मंडला। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं मंडला ज़िला। मंडला ज़िले में रानी अवंतीबाई और रानी गिरधारी बाई, इनकी समाधि है। गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की सहायिका थी। अवंतीबाई और गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर है, मंडला में। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा मुमताज महल। मुमताज महल की कब्र, तो ये है हमारा बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम ज़िला बुरहानपुर, यहाँ पर है मुमताज की कब्र। सर्वप्रथम ताजमहल यहाँ बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ ना बनाकर बाद में मुमताज महल को पहले यहाँ दफनाया गया, उसके बाद आगरा में उनकी कब्र में स्थापित की गई, फिर उसके बाद ताजमहल बनाया गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की कब्र। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र जो है वो है सारंगपुर। सारंगपुर पड़ता है राजगढ़ ज़िले में। राजगढ़ ज़िले में क्या है, सारंगपुर। यहाँ पर किस किस की समाधि है, यहाँ पर है रानी रूपमती और बाज बहादुर, बाज बहादुर की कब्र है। ठीक है, अगला है हमारा, अगला देख लेते हैं हम, बाजीराव पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है। ये रावरखेड़ी में है। रावरखेड़ी कहाँ होता है, पश्चिमी निमाड़, जिसे खरगोन कहते हैं। यहाँ पर एक जगह है रावरखेड़ी, जहाँ पर समाधि है बाजीराव पेशवा की। यहाँ किसकी समाधि है, बाजीराव पेशवा की समाधि है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला हमारा बैजू बाबरा की समाधि। बैजू बाबरा की समाधि कहाँ है, चंदेरी। चंदेरी आता है अशोकनगर के अंतर्गत। यदि ऑप्शन में चंदेरी ना दिया हो तो अशोकनगर लगा सकते हैं, और आंसर में यदि चंदेरी दिया है तो चंदेरी लगाएंगे। यहाँ पर है बैजू बाबरू की समाधि। यहाँ पर मेला भी लगता है इन्हीं के नाम से। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, अगला है हमारा महारानी साख्या राजेश सिंधिया की समाधि। तो ये है शिवपुरी में। शिवपुरी में है महारानी साख्या राजेश सिंधिया की समाधि। ठीक है, अगला है हमारा हरदौली की समाधि। तो एक नया ज़िला बना है हमारा निमाड़, जहाँ पर है निमाड़ में है हरदौली की समाधि। ये टीकमगढ़ से अलग होकर नया ज़िला बनाया गया है। अगला है हमारा तात्या टोपे की समाधि। तो ये है हमारे शिवपुरी ज़िले में। शिवपुरी ज़िले में किसकी समाधि है, तात्या टोपे की समाधि है। अगला हम काना बाबा की समाधि। तो काना बाबा की समाधि है होशंगाबाद ज़िले में। कहाँ है,
होशंगाबाद जिले में कान्हा बाबा की समाधि। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला देखेंगे हम नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, अगला है हमारा होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? होशंग शाह का मकबरा है धार जिले के मांडू में। धार जिले के मांडू में स्थित है होशंग शाह का मकबरा। मांडू अपने दर्शनीय स्थलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, अगला है हमारा दौलत खां लोधी का मकबरा। दौलत खां लोधी का मकबरा है बुरहानपुर जिले में, जिसे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कहा जाता है, दौलत खां लोधी का मकबरा। ठीक है, यहीं पर है मुमताज महल की कब्र। तो ये कुछ समाधियाँ थीं जिन्हें हमने पढ़ा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।